आ चुका है एक और न्यू AI बेस्ड टूल, और ये जो टूल है इसका काफ़ी डिमांड भी था। वैसे काफ़ी लोगों ने बताया हुआ था जब इमेज AI आया था, जब ऑडियो AI आया था उसके बाद काफ़ी लोगों का डिमांड था वीडियो AI। तब आज लॉन्च हो चुका है वीडियो AI, टेक असिस्टेंट वीडियो AI के नेम से। और आज टोटल में से हम एक इंटरफेस देखेंगे किस तरीके से ये काम करता है, कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्या चीज़ें हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या फीचर्स हैं, सभी चीज़ें जानेंगे अपने आज के इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक देखते रहिए, वीडियो चलेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब ये जो वीडियो AI है ये एक न्यू टूल है जहाँ पे आप वीडियो अपलोड तो करके प्रोसेस कर ही सकते हैं, अपने छोटे वीडियोस को आप इजीली यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं और काफ़ी क्विकली। अगर आपका वीडियो का साइज़ लगभग 30-40 सेकेंड का हो, एक मिनट का है, काफ़ी ज़्यादा क्विकली आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। वहीं अगर आप कोई लाइव कन्वर्सेशन करना चाहते तो उसका भी ऑप्शन है। ये टोटल आपको लाइव कन्वर्सेशन का भी फीचर प्रोवाइड करता है। यहाँ पर ऑडियो लाइव स्ट्रीमिंग होता है जिससे कि आपको रिस्पॉन्स मिलने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपका डेटा कनेक्शन थोड़ा स्लो है तो उसके समय आपको रिस्पॉन्स इजीली मिलते जाएगा। ऐसा नहीं है, फुल टेक्स्ट जनरेट होगा एंड देन फिर आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके मिलेगा ऑडियो में। फुल ऑडियो में आपको ये रिप्लाई करता है, आपके पास भी ऑडियो प्लस वीडियो दोनों रिकॉर्डिंग कर सकता है। आप जो भी दिखाएंगे उसके अकॉर्डिंग ये रिप्लाई करेगा। मैं आपको थोड़ा सा एक जो इंटरफेस है आपको दिखाने वाला हूँ, तो आगे वीडियो में तक जरूर बने रहिए और ट्राई कर सकते हैं। इसलिए आप इसे सिंपल आपको वेबसाइट पर विजिट करना है, मेन्यू में जाना है, techassistantforlearner.com पे विजिट करने के बाद एप्स एंड फीचर्स में टूल्स में आपको पहले नंबर पे ये टूल मिल जाएगा। या फिर आप ai.techassistantforlearner.com/video भी विजिट कर सकते हैं, आप डायरेक्टली इस URL पे जाके इस टूल को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें वैसे टूल के बारे में एक्सेस करने के रिलेटेड। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका इंटरफेस और किस तरीके से यूज़ करना है उन सभी चीज़ों को, मतलब काम कहाँ आ सकता है ये भी थोड़ा हम जानते चलें। तो ये आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक आपको कभी कुछ रिकॉग्नाइज करवाना है, सामने कुछ टेक्स्ट है, सामने कोई चीज़ है, इसको आपको कलर पूछना हो, सामने कुछ भी विजिबल है, आपको उसका डिस्क्रिप्शन लेना हो, आपको कुछ ढूंढना हो आपके रूम के आसपास में, वो भी आप इससे पूछ सकते हैं। कोई कॉम्बिनेशन है, अगर आपको ये पूछना है कि ये जो कॉम्बिनेशन है कोई ड्रेसेस वगैरह, तो आप उसका भी पूछ सकते हैं। लाइव कन्वर्सेशन होगा, दैट मीन्स आप इसे कुछ बोल के सेंड करेंगे, ये वीडियो भी साथ में रिकॉर्ड करेगा और यहाँ पे ये आपको रिटर्न जो रिप्लाई करता है वो वॉइस में रिप्लाई करेगा। जैसे बोलना खत्म होगा वापस से वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। और इसके साथ ही ये जो टोटल रिकॉर्डिंग है आपके फ्रंट कैमरा के थ्रू होगा, यहाँ पे करंट टू रियर कैमरा यूज़ नहीं होगा, अभी के टाइम पे केवल फ्रंट कैमरा ही यूज़ होगा। तो आगे देखते हैं हम लोग इसका फुल इंटरफेस। तो अभी यहाँ पे मैं पहले से ही अपने टूल के अंदर हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा वैसे इंटरफेस देख लेते हैं, क्या है इंटरफेस में। मेन एक लिंक है होम पेज पे जाने के लिए, रिलोड का बटन है, यहाँ से आप इस पेज को रिलोड कर सकते हैं अगर आपको कभी भी ऐसा कोई रिक्वायरमेंट होता है तो उस केस में। अगर आपको इनकेस कभी वो रिस्पॉन्सेस थोड़ा अलग में प्रोवाइड कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ सही नहीं लग रहा, तो उसके साथ रिलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कभी चैट, एक न्यू चैट स्टार्ट करना है, तो उसके से भी आप इसे रिलोड कर सकते हैं। एक्सपोर्ट योर सेशन .json, आप इस टोटल सेशन को JSON फॉर्म में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। करंटली एक्सपोर्ट का ऑप्शन इम्पोर्ट इन फ्यूचर ऐड होगा। मेन्यू है, मेन्यू के अंदर आपको हेल्प का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से कुछ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख सकते हैं। वैसे पॉइंट्स सारे के सारे मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही यहाँ पे आपको कोई भी अगर आपको इशू आए, मेन्यू में ही आपको ऑप्शन मिल जाता है रिपोर्ट करने के लिए। टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, ये कुछ चीज़ें मेन्यू के अंदर अवेलेबल हैं। अकाउंट अवेलेबल है, यहाँ पे आपको साइन इन का बटन मिलेगा, आपको साइन इन कर लेना अगर आप न्यू मेंबर हैं या फिर अगर आप किसी न्यू डिवाइस से जा रहे हैं जहाँ पे आपने प्रीवियसली साइन इन नहीं किया हुआ है। अगर आपने साइन इन किया हुआ कुछ टाइम पहले तो आपको यहाँ पे बाई डिफॉल्ट साइन इन ही मिलेगा। यहाँ पे आपको हेडिंग 1 टेक असिस्टेंट वीडियो है कि आगे कनेक्टेड विद अ चैट बॉट, एक ऐसा लिखा हुआ लाइन मिलेगा। कनेक्टेड विद अ चैट बॉट का मीनिंग है कि आपका जो ये वीडियो है एकदम अच्छे से करंटली वर्क करेगा। कभी भी डिसकनेक्टेड विद अ चैट बॉट आए तो आप एक बार रीलोड करके चेक कर सकते हैं, या पेज मैनुअली आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं, या फिर आप फिर भी अगर आपको डिसकनेक्टेड लिखा हुआ मिलता है तो कुछ टाइम के बाद इसे रिट्राई कर सकते हैं। कनेक्टेड दैट मीन्स ये वर्क करेगा। स्टार्ट न्यू कन्वर्सेशन, लैपटॉप के लिए कमांड है Alt+S। अपलोड अ वीडियो, लैपटॉप के लिए कमांड है Alt+Q। डायरेक्टली अगर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका जो काम है वो इजीली हो जाएगा। अब स्टार्टिंग कन्वर्सेशन जो है वो मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड तक का रिकॉर्डिंग करता है एक बार में, बट आप चाहें तो उससे ज़्यादा का भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कैसे वो भी हम आगे जानेंगे। दूसरा, यहाँ पे जो अपलोड वीडियो का ऑप्शन है वो 25 MB तक का वीडियो ले सकता है, लगभग आप 20-25 मिनट तक का भी आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। बट साइज़ मिनिमम आप कुछ भी रख सकते हैं, बट मैक्सिमम जो साइज़ होना चाहिए वो 25 MB ही हो सकता है। अब स्टार्ट न्यू कन्वर्सेशन में जैसे हम क्लिक करेंगे तो फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे एक्सेस देना पड़ेगा माइक्रोफोन का और कैमरा का, क्योंकि यहाँ पे आपका लाइव कैमरा एंड माइक्रोफोन यूज़ होने वाला है। और डेटा कनेक्शन जितना ज़्यादा बेहतर होगा उतना क्विकली आपको ये रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि वीडियो अपलोड में उतना ही क्विक यहाँ पे ये प्रोसेस होने वाला है। वैसे भी ये कंप्रेस्ड वीडियो होगा बाय डिफॉल्ट, तो इसलिए ज़्यादा टाइम वैसे नहीं लगता। देखते हैं, क्लिक करेंगे स्टार्ट न्यू कन्वर्सेशन पे। वीडियो तो आप अपलोड करके चेक कर सकते हैं, बट मेन हम यहाँ पे कन्वर्सेशन देख रहे हैं। मैं कन्वर्सेशन के लिए जाऊँगा,
यहाँ पे कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया है, पॉज का ऑप्शन था, इंटरप्ट का ऑप्शन है और एंड का बटन है। यहाँ पे टोटल 3 बटन्स दिए गए हैं हमारे पास में। तो जैसे हमने एंड किया तो ये सेंड हो गया हमारा जो वीडियो था, वो तीनों बटन्स का हम काम जान लेते हैं। आप तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो इंटरफेस है वो थोड़ा सा मीन्स एक्चुअली जो वॉइस था टॉकबैक का वो आपको थोड़ा सा अलग मिला होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉल वाला जो टाइमिंग है एक तरह से कह सकते हैं कॉल का जो स्टार्ट हो जाता है, जिस तरीके से आप चैट जीपीटी के अंदर भी बात करते हैं तो वहाँ पे कॉल स्टार्ट हो जाता है एग्जैक्टली उसी वे में, यहाँ पे भी आपका जो कॉल टाइप है वो स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि आप इजीली जो भी बोलेंगे वो रिकॉर्ड होता जाता है। अब पॉज का बटन था, तीनों बटन्स का हम फंक्शन जान लेते हैं। पहला पॉज का बटन, जैसा मैंने आपको बताया बाय डिफॉल्ट 10 सेकंड का रिकॉर्डिंग कर सकता है। अगर आपको 10 सेकंड ज़्यादा का करना है, फॉर एग्जांपल आपने 5 सेकंड बोला उसके बाद आपको पॉज करना है, कुछ देर के बाद आपको कुछ दिखाना है या फिर आपको थोड़े कहीं और जाकर कुछ दिखाना है, तो उस केस में आप सिंपल पॉज कर देंगे। आपने 5 सेकंड रिकॉर्ड किया था, आपके पास बचा 5 सेकंड, लेकिन जैसे ही आप दोबारा रिज्यूम करेंगे वो आपको प्लस 10 सेकंड देगा, दैट मीन्स वो बिल्कुल स्टार्टिंग से काउंट करेगा 10 सेकंड, और जैसे ही 10 सेकंड होगा वो ऑटोमेटिकली वीडियो सेंड हो जाएगा। आगे वैसे हम लोग इसका मेन ट्रायल देखेंगे, बट इंटरफेस में कुछ चीज़ें और है, हम लोग वो भी देख लेते हैं। ये आ गया यू एम्बेडेड वीडियो क्लिप, जो हमने क्लिप सेंड किया। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगा। आप ऐसे वीडियो प्ले करके देख सकते हैं जो आपने सेंड किया। यहाँ से आप सुन सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं जो भी रिस्पॉन्स। अगर हम लिसन पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे बोलना शुरू कर देगा दोबारा से। आस्क एआई का बटन है, क्लिक करके अगर आप इनकेस कोई वीडियो आप सेंड करते हैं या फिर मीन्स अपलोड करते हैं या फिर आपने यही जो वीडियो भेजा अभी तो ये भी एक्चुअल वीडियो सेंड ही हुआ, आप आस्क एआई पे क्लिक करेंगे, आस्क एनीथिंग का एडिट बॉक्स खुल गया, यहाँ पे आप टाइप करके दोबारा सेंड कर सकते हैं। आपने जो लिखा वो अगेन सेम वीडियो के साथ दोबारा वीडियो अपलोड हो जाएगा एंड देन आपको रिटर्न रिप्लाई करेगा फिर जो एआई है वो। आगे हम कन्वर्सेशन ड्रा करके देख लेते हैं, देखते हैं कुछ चीज़ें इसे हम पूछेंगे अपने आसपास के बारे में। क्लिक करेंगे मैं रिलोड कर रहा हूँ यहाँ पे, बीच में पॉज कर दिया था। हाय प्लीज टेल मी व्हाट इज करंटली विजिबल इन द कैमरा। 10 सेकंड का हम वेट करेंगे यहाँ पे वीडियो ऑटोमेटिकली सेंड होने के लिए। वैसे वीडियो ऑटोमेटिकली सेंड हो गया। आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा अपलोडिंग एंड देन जो भी यहाँ पे अदर जो भी चीजें हैं वो सब कुछ जो भी अपडेट होगा। You with that. So, you want me to describe what's in front of your camera. Right. Let me take a look. I see a person in front of your camera. They are wearing glasses and a yellow t-shirt. They have a mustache. The background seems to be their room. I can see a ceiling fan with 3 blades. The fan is spinning. अब आगे automatically start होगा जैसे ही बोल के खत्म करेंगे. The fan is near a blue water tank. What else can I help you with today? Interrupt button. Is the laptop visible in my camera? If it is visible, then tell me the color of the laptop. Okay, just मैंने कलर ही से पूछ लिया, हालांकि हम इसे कुछ भी पूछ सकते हैं, हालांकि लैपटॉप का कलर तो रिक्वायरमेंट नहीं, बट okay, I'm seeing your room now. Home you're moving. The camera around so I can see more. Opening square bracket dot 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 closing square bracket. Okay, I see a laptop on a table. It's black. PC, is there anything else I can help you with? Interrupt button. मैंने interrupt पे क्लिक किया. Interrupt button. End button. Okay, so अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास जो total ये जो मतलब responses था, जैसे वैसे मैंने आपको pause button के बारे में तो बता दिया था, but ये जो इंटरप्ट का बटन है, जैसे अभी मैंने क्या किया क्लिक करके मैंने इसे बीच में रोक दिया, दैट मीन्स जो रिकॉर्डिंग हो रहा है उसे वहीं पे हम कैंसिल कर सकते हैं, ना ही वो सेंड होगा और ना ही वो मीन्स टोटल क्लोज होगा, मीन्स आप जस्ट उसी पेज पे रिटर्न आ जाएंगे जहाँ पे आप पहले थे, कह सकते हो टोटल जस्ट क्लोज हो जाएगा और उस वीडियो जो है वो सेंड नहीं होगा। लेकिन जब आप एंड के ऊपर क्लिक करते हैं उस केस में क्या होता है कि एंड कन्वर्सेशन पर क्लिक करते ही आपका जो वीडियो है वो वहीं पर पॉज होकर सेंड हो जाता है और उसके बाद वो जो भी प्रोसेस है वो आपको करके AI ऑटोमेटिकली बोलना शुरू कर देता है। और जैसे ही AI बोलना ख़त्म करता है, जनरली क्या होता है अगर वीडियो ऑटोमेटिकली सेंड हुआ है, जैसे अभी आपने देखा कि ऑटोमेटिकली ही यहाँ पे सामने से जो भी रिस्पॉन्स थे वो आने लगे, जैसे ही AI ने बोलना ख़त्म किया
गूगल टीटेस का यहाँ पे वॉइस सेट है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया वैसे ही क्विकली मेरे पास वापस से मेरा कैमरा एंड माइक्रोफोन चालू हो गया, दैट मीन्स मैं दोबारा से कुछ कह सकता हूँ। बट जब तक AI कुछ कह रहा है तब तक अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो वो वहाँ पे मैं नहीं कह सकता। अब ये कुछ इस तरीके से काम करता है। अगर मैं इसके बारे में और दिखाऊँ तो ये आई थिंक और काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा, बट आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो किस तरीके से एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से काम करता है। आप इसे बात कर सकते हैं, एक्जैक्टली आपने कुछ बोल के सेंड किया ये आपको रिप्लाई करता है। रिप्लाई में जो वॉइस है वो जैसे वॉइस ख़त्म होता है ऑटोमेटिकली ये वापस से 10 सेकंड का रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता है। और वहीं अगर आप एंड बटन पर क्लिक करेंगे तो वो स्टार्ट नहीं होता। कभी भी ऐसा होता है कि स्टार्ट ना हो और उस वक्त आपने एंड बटन पर क्लिक किया था, आप दोबारा से क्लिक कर दीजिए स्टार्ट न्यू कन्वर्सेशन के ऊपर, उससे क्या होगा ये वापस आगे वहीं से न्यू क्लिप्स को रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। ये एनालाइज कैसे करता है, यहाँ पे ऑडियो प्लस वीडियो दोनों को एनालाइज करता है। यहाँ पे आपका ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है प्लस वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है, टोटल जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये ऑल ओवर उसे टोटल फुल एनालाइज करके एंड देन उसका ऑडियो अलग से एक्सट्रैक्ट करके समझ के फिर ये रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि हम यहाँ पे जो कह रहे हैं वीडियो में वो भी ये प्रोसेस कर रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं आप ट्राई कर सकते हैं, जिसमें मैंने काफ़ी सिंपल सा शो किया हुआ है, बट आप इसमें वीडियो भी अपलोड करके टेस्ट कर सकते हैं और साथ ही आप कन्वर्सेशन भी करके ट्राई कर सकते हैं। जिसमें मैंने काफ़ी छोटा था कन्वर्सेशन किया, बट अगर मैं कन्वर्सेशन करूँ तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। आप खुद ट्राई करें, लेकिन ट्राई करने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये जो वीडियो AI है ये कैसा लगा। और साथ ही आपको अगर इसमें कोई भी कभी भी इशू आए मेन्यू में जाइए, रिपोर्ट का ऑप्शन अवेलेबल है, वहाँ से आप रिपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी आपको न्यू फीचर चाहिए वो भी आप इजीली कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे जाके हम तक शेयर कर सकते हैं। साथ ही वैसे आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको इसमें और क्या इश्यूज़ आए या फिर आपको इसमें क्या और ऐसे चेंजेस चाहिए, क्या न्यू आपको फीचर्स यहाँ पे चाहिए। आई होप आज का जो वीडियो था आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही आप ट्राई कर सकते हैं इस AI को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट पर भी, वहाँ पर भी आपको लिंक इजीली मिल जाएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आपको जुड़ना हो तो आप चेकआउट कर सकते हैं अबाउट सेक्शन को और ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप्स को। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, साथ ही नोटिफिकेशंस को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा।